बैल बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। आज कुछ टाइम पहले मेरा एक शिष्य है, वो अलीगढ़ में रहता है, तो उसका फोन आया था कि गुरुजी कर्फ्यू का समय चल रहा है और फ्री है, बिल्कुल कोई काम नहीं है, अभी मौसम थोड़ा ठंड वाला और गर्मी वाला भी है, हमें कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिसको हम घर पे खा सकें और ताकत पे काम करें। मैंने सोच विचार करके मेरे अपना बचपन याद आ गया, जब हम अभी जवानी में पैर रखा था तो हमारे गुरुजी के साथ एक पहलवान जी रहते थे। वो पहलवान जी रोजाना क्या करते थे, जैसे उन्होंने, मतलब अंदाजा बता रहा हूँ, 250 ग्राम दूध ले लिया तो उसमें, वो तो थोड़ा ज़्यादा करते थे, हमने उनको देखा देखी जो हमने किया, हम वो बता रहे हैं, अपने अनुभव की बात करते हैं, लोगों का नहीं पता लोग क्या करते हैं। 250 ग्राम जैसे कच्चा दूध ले लिया तो उसमें 50 ग्राम चने की दाल उसमें डाली, जैसे आज सुबह डाली या आज शाम को डाली तो पूरा रात उसको बाहर उसमें पड़ा रहने देना, तो सुबह उसको उठकर बाहर अंदर जाना, जो भी दातन वगैरह करते थे करने के बाद, टॉयलेट बाथरूम जो पहले जंगल में जाते थे, ये घर में तो लैट्रिन वाला सिस्टम अभी बना है, तो इसके फायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा है, वो कभी बाद में बात करेंगे। जो चना भिगोया है, दूध वाला काम है, पहले घूम फिर के आना, तो उसको चने को चबा चबा कर खा जाना। कुछ लोग बोलते हैं कि वो दूध गिरा देना चाहिए, पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उस दूध को पी लेता था। कुछ टाइम के बाद, कम से कम 20-30 दिन बाद, जो उसका रिजल्ट था, मेरा चलना फिरना रहना सहना आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया। मैं उसको बहुत लंबा टाइम खाया है और अपने जीवन में अनुभव किया है, 15 घंटे 17 घंटे तक काम करना या 24 घंटे किसी सफर में रहना, जब बाहर किसी यात्रा पे किसी साधना पे, कहीं ना कहीं जीवन ऐसे चलता रहता है, मैंने बहुत लगातार जीवन को ढाला है और मैं आज महसूस करता हूँ जो उस समय बहुत लंबा टाइम ये मैंने नुस्खा यूज़ किया था, इसका कहीं ना कहीं प्रताप है, ये भी एक किस्म का तप है। मैंने उस अपने शिष्य को ये नुस्खा बताया आज, तो नुस्खा याद आ गया, सोचा आपको भी बता दूं। आपने क्या करना है, 50 ग्राम चने लेने हैं, चने की दाल, 250 ग्राम दूध ले लेना है, एक स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, लोहे के बर्तन में नहीं डालना, या आपने कोई पित्तल के बर्तन में भी नहीं डालना है, स्टील का ले लो साफ रहता है, और मिट्टी का ले लो वो भी साफ रहता है। दूध डाल दिया, फिर चने डाल दिए, बाहर रख दिया, उस पर सुबह उठे बाहर अंदर गए ब्रश किया और खा लिया। रोजाना करो, ताकत की एक नंबर की दवा है, धातु जाने नहीं देती, धातु गाढ़ा हो जाता है, कमर का कभी दर्द नहीं होगा, बाल कभी उतरेंगे नहीं, दिमाग शांत रहेगा, गुड्डे की चटक चटक बंद हो जाएगी। ये जरूरी नहीं आप जवान हो आप नहीं खाना, बूढ़े भी खा सकते हैं, पर कम से कम 2 घंटे कुछ नहीं खाना, अगर नहीं परहेज होता तो 1 घंटा कुछ ना खाना, ये हर हालात में लाभ देगा, आपको आनंद देगा, खुशी देगा, यही मेरा आशीर्वाद है। जय गुरु।